चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का एजेंडा, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर आलाकमान से बात करने आ रहे हैं योगी। तो वहीं एके शर्मा और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है और साथ ही यूपी भाजपा प्रभारी और संगठन में बदलाव चाहता है आलाकमान। इन सभी मुद्दों पर आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के ये बड़ी और खास मुलाकात हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी जुड़ चुके हैं। तो शशिकांत जी, देखिए पहले भी इस मुद्दे पर हमारी बात हुई थी कि इस मंत्रिमंडल फेरबदल से जो योगी आदित्यनाथ है वो खुश नहीं है, पर ऐसे में आलाकमान का ये आदेश। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और ये काफी समय से ये चर्चा चल रही है और ये पहला मौका है जब आमने सामने बैठकर बात की जाएगी। और अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जी इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलेंगे, अमित शाह जी से भी मिलेंगे। ये तीनों वो व्यक्ति हैं जिन्हें माना जा रहा था कि उनकी बात न मानने की वजह से हाईकमान नाराज है और योगी जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो अब आमने सामने जब बात होगी, योगी जी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और खासकर जो टकराव का कारण है, जैसा कि आपको मालूम है अभी काफी चर्चा चलती रही है, वो एके शर्मा है। और एके शर्मा जी को यूपी भेजे हुए 4 महीने का लंबा समय हो चुका है और जिस समय उन्हें यूपी भेजा गया था, आपको याद होगा कि उस समय भी योगी आदित्यनाथ उनके जब भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी उसमें वहां मौजूद नहीं थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति शुरू से बनी हुई थी कि एके शर्मा कहीं योगी जी की आंखों में खटक रहे हैं और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि एके शर्मा को प्रधानमंत्री जी की मर्जी के विपरीत वो जाकर उन्होंने उन्हें अभी तक भी डिप्टी सीएम या कोई भी औदा नहीं लेने दिया है। तो अब जबकि पंचायत चुनाव के बाद और कोरोना में जो यूपी सरकार की असफलता के बाद जो घटनाक्रम चले उसके बाद फिर से ये चर्चा उठी कि एके शर्मा को अब फिर से डिप्टी सीएम बनाकर ताजपोशी दी जाएगी और साथ साथ ब्रजेश पाठक का नाम आया जिन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री को एक बहुत चर्चित चिट्ठी लिखी थी। तो इन दोनों के नाम प्रधानमंत्री की तरफ से गए थे और पार्टी ने तय किया था और इसके बारे में योगी जी को जब सूचित किया गया तो उन्होंने इसका उसी समय से यह कहकर विरोध करना शुरू कर दिया था कि इन दोनों की नियुक्ति करना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तब योगी को बदले जाने की चर्चा चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि शायद योगी जी को ही बदल दिया जाए और नेतृत्व किसी और को सौंपा जाए, तो मुख्यतः बड़ी लड़ाई चल रही थी। अब जबकि वो मामला सेटल हो चुका है और ये पार्टी ने ये मान लिया है, तय हो चुका है कि योगी जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा, तो निचले स्तर पर ये परिवर्तन किए जाने अब जरूरी है। और पार्टी हाईकमान चाहती है कि अगर योगी को नहीं बदला जा रहा है तो कम से कम हाईकमान की वो ये बातें मान लें जिसमें एके शर्मा और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, साथ में वो प्रभारी को भी बदलकर किसी यादव समुदाय से संबंधित व्यक्ति को यूपी भाजपा का प्रभारी लगाना चाहते हैं हाईकमान की तरफ से। तो ये सारी बातें जो सारी योगी जी को कही जा रही है और योगी जी के माध्यम से पार्टी हाईकमान को कही जाती रही है और इन पर टकराव की एक स्थिति बनी रही जिसमें कि एक शीत युद्ध चलता रहा, अखबारों में चलता रहा, मीडिया में चलता रहा, अब उसका पटाक्षेप होने वाला है। मुझे लगता है कि अब वो अंतिम दौर की लड़ाई है अब हमारे सामने। शशिकांत जी, जिस तरीके से बातचीत सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मॉनसून के दस्तक से पहले ही राजनीति का मॉनसून आ चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।